नसीरपुर द्वारका में अरविंद केजरीवाल सरकार के वर्ल्ड क्लास नए स्कूल का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी भी कार्यक्रम में मौजूद रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आतिशी ने सभी को नए स्कूल के शुभारंभ पर बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने को लेकर कहा कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। आज शिक्षा की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। वहीं आतिशी ने कहा कि जिस स्कूल का आज उद्घाटन किया गया है वह सभी सुविधाओं से लैस है। इस स्कूल में 55 से अधिक क्लासरूम, 9 लेबोरेटरी, 2 लाइब्रेरी, एक्टिविटी रूम और वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। आप सबको आज शानदार स्कूल खोलने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन आज इस स्कूल पे बधाई देने से पहले, इस स्कूल के बारे में बताने से पहले, मैं ना सिर्फ इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को, बल्कि मैं दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे और उनके माता पिता को बधाई देना चाहती हूँ। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। एक स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। 75 साल हो गए इस देश की आज़ादी को, 75 साल में सरकारें आईं, सरकारें गईं, पार्टियां आईं, पार्टियां गईं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में ये पहली ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि हम एक गरीब परिवार से आने वाले बच्चे को एक अच्छा भविष्य देंगे। एक पहली ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे, और आज उसका नतीजा हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज जिस स्कूल का हम उद्घाटन कर रहे हैं, आप इस स्कूल की बिल्डिंग देखिए, आप इस स्कूल की लिफ्ट देखिए, आप इस स्कूल के क्लासरूम देखिए, आप इस स्कूल के पीछे स्विमिंग पूल देखिए। मैं आज आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, द्वारका के इलाके में दिल्ली के सबसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं। लेकिन आज मैं आप सबको चैलेंज दे रही हूँ कि किसी भी प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग को जाकर देखिए, हमारा नसीरपुर का ये स्कूल उन सब प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देगा। मैं आज इस बात को दावे से कह सकती हूँ। इस स्कूल में 55 से ज़्यादा क्लासरूम हैं, 9 लेबोरेटरीज हैं, 2 लाइब्रेरीज हैं, एक्टिविटी रूम है, और इस स्कूल में, और आप सब इसको देख भी सकते हैं, आने वाले कल ही इसका पूरा काम कंप्लीट हुआ है, एक वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल आपके बच्चों के स्कूल में बना है, इस सरकारी स्कूल में बना है। ये जो सरकारी स्कूल है, इससे ना सिर्फ नसीरपुर बल्कि शिवपुरी, कैलाशपुरी, दुर्गा पार्क, दशरथपुरी, इन सब इलाके के बच्चों को फ़ायदा होगा। यहाँ पे पास में सिर्फ एक ही बड़ा स्कूल है जो सर्वोदय कन्या विद्यालय, सर्वोदय बाल विद्यालय द्वारका सेक्टर 1 पॉकेट 7 में है, और वहाँ पर इलाके में स्कूल की कमी होने की वजह से एक स्कूल में 6,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। मैं अभी जब स्कूल का दौरा कर रही थी तो मैंने डायरेक्टर साहब से पूछा कि ये स्कूल कब तक चालू हो जाएगा, तो मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस शानदार बिल्डिंग में नया स्कूल शुरू हो जाएगा, और हमारे बच्चे जो एक बहुत क्राउडेड द्वारका सेक्टर 1 वाले स्कूल में पढ़ते हैं, उनको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा। हमने सरकारी स्कूलों की नई बिल्डिंग बनाई, हमने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए देश विदेश में भेजा, बेस्ट ऑफ बेस्ट फर्नीचर, स्मार्ट बोर्ड, हर एक व्यवस्था सरकारी स्कूलों में करी, और उसी का नतीजा है कि पिछले 7 साल से
दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि हर साल दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब से गरीब बच्चों से 1,500 से ज्यादा बच्चे IIT, JEE, नीट का एग्जाम क्लियर करते हैं और देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। दिल्ली के हर आम इंसान की दुआएं अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे आज मनीष सिसोदिया जी के बाहर आने का ऑर्डर आया है, सत्य की जीत होगी और अरविंद केजरीवाल जी भी हमारे बीच में होंगे बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।